हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। हम लेडीज़ को किचन में काम बहुत ज़्यादा होते हैं और काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, इसलिए हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स आने चाहिए और टिप्स अपनाने चाहिए जिससे कि हमारी किचन का काम झटपट ख़त्म हो जाए। और टाइम बे टाइम अगर हमें कुछ इंस्टेंट बनाना भी पड़े तो हमें भारी ना लगे। तो आइए देखते हैं कि वो क्या टिप्स हैं जिसे अपनाकर हम टाइम की बचत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लहसुन लेंगे, क्योंकि लहसुन जो लोग खाते हैं उनके लिए टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। लहसुन को हम कभी भी भिगो के रख दें और जब भी हमें टाइम मिले तो हम उसे बैठकर छील कर रख लें, क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं या किसी से बात करते हैं तो ये उस टाइम भी हम लोग छील सकते हैं और भीगा हुआ लहसुन बहुत जल्दी छिलता है। और तब हम उसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर उसे स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए एक डिब्बी में हम नीचे टिश्यू पेपर बिछाएंगे और उसमें सारा कटा हुआ लहसुन हम डालकर रखेंगे और फिर उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर फोल्ड करके हम इसे बंद करके स्टोर कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे और इसे काफ़ी टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन जब मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी चीज़ है मिर्च। जो लोग हरी मिर्च यूज़ करते हैं उनको भी इसे स्टोर करके रखना चाहिए। इसको स्टोर करने के लिए हम पहले इसको धो लेंगे, इसकी डंडियां अलग करके इसको सुखा लेंगे, अच्छे तरीके से सुखाएंगे कि इसमें ज़रा सा भी गीलापन ना रहे। फिर इसको एक मिक्सी जार में डालकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसको मोटा मोटा क्रश करना है, फाइन पेस्ट नहीं बनानी और मिक्सी भी एक बार में नहीं चलानी, मिक्सी रोक रोक कर चलानी है। अब एक शीशी लेंगे और उसको भी साफ़ सुथरा बिल्कुल सूखा हुआ कर लेंगे और फिर इसमें हम मिर्च डालकर स्टोर कर सकते हैं। अगर एक महीने तक के लिए स्टोर करनी है तो इसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल और एक चम्मच लेमन जूस डाल देंगे तो हमारा एक महीने के लिए स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे भी स्टोर कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। टमाटर हमारी किचन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, हर खाने में टमाटर डलता है और इस वक्त टमाटर बहुत सस्ता और अच्छा भी आ रहा है, तो क्यों ना हम इसे स्टोर करके रख लें उन दिनों के लिए जब टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। इसके लिए मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं और इन्हें धोकर साफ़ कपड़े से पोंछ कर सुखा लिया है। अब इसका टॉप सारा हम निकाल देंगे और इसको रफली चॉप कर लेंगे। टमाटर कोई भी सड़ा गला या मुलायम नहीं होना चाहिए, सब अच्छे टमाटर होने चाहिए, लाल पके हुए। अब ये मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है और इसको स्टोर करने के लिए मैं एक पैन लूँगी और उसमें एक कड़छी रिफाइंड ऑयल लेके उसमें सारे टमाटर डाल दूँगी और अब इसे स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी। इसको ढक कर रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका पानी धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, तो जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से प्रेस कर करके इसकी एक पेस्ट सी बना लेंगे। इसको तब तक हमने स्लो फ्लेम पर पकाना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख न जाए। कुछ ये इस स्टेज तक आ जाता है कि जब इसका सारा पानी सूख जाता है तो ये स्टोर करने के लायक हो जाता है। फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे ताकि ये लंबे टाइम तक स्टोर हम इसको कर पाएं
और इसको अच्छी तरह 2-3 मिनट तक चला लेंगे। और फ्लेम ऑफ करके अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। इस तरीके से ये हम काफ़ी लंबे टाइम तक टमाटर भी स्टोर कर सकते हैं। जब कभी हमारे पास टमाटर घर पर नहीं होते या कोई मेहमान आ जाते हैं तो हम इस तरीके से किए गए स्टोर टमाटर को फटाफट निकाल कर जल्दी से सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको डिब्बी में बंद करके फ्रीज़र में आप स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो इन सब टिप्स को फॉलो कीजिए और इस तरीके से किचन का काम इजी बनाइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।